ये देखिए, कोई कह सकता है इसको हमने घर में बनाया है और वो भी बिना ओवन के बनाया है। और ये देखिए चारों तरफ से कैसे अच्छे से बेक हुआ है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये हमने भौने में कुक किया है। तो चलिए फटाफट से भरा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं सबकी मनपसंद आलू पेटीज। जी हाँ गाइस, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए कुछ खास टिप एंड ट्रिक्स के साथ बना लेते हैं आलू पेटीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेटीज, बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा बिल्कुल नाप के लिए लीजिएगा। थोड़ा सा नमक, 1/4 स्पून बटर। जी हाँ गाइस, मेल्टेड बटर मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल दूंगी। मेल्टेड बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बटर का ही यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे ये मुट्ठी बांधने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम बाद में भी बटर और भी यूज करेंगे, इसलिए हम इसको मुट्ठी बांध के नहीं चेक कर रहे हैं। बस अच्छे से बटर और शॉर्ट जो हमने डाला है वो मिक्स हो जाना चाहिए इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को नीट कर लेंगे। डो को नीट करने के लिए यहाँ पे हमें बहुत सॉफ्ट डो नहीं नीट करना है, ना ही बहुत हार्ड डो नीट करना है। सेम ही होना चाहिए, यानी कि टाइट भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए डो को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम नीट कर लेते हैं। देखिए, डो नीट होने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस मिलाएंगे। इससे पेटीज में परतें जो खुल के आती हैं इसी से आएंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, इससे पेटीज हमारी बहुत अच्छी बनती हैं। आइए देखिए, यहाँ पे डो को मैंने नीट कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डो नीट हुआ है हमारा। और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। और यहाँ पे रखे हुए डो को 15 मिनट हो चुका है, कवर को हटा लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। आइए अब इसको बेल लेते हैं। ये गाइस, इसको बनाना बहुत कोई खास मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बच्चों को हेल्दी खिलाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए इसको जैसे आप बेलना चाहें, लंबे में, गोल में, फर्स्ट टाइम, आप किसी भी शेप में आप इसको बेल सकते हैं। और ये देखिए, पहली बार में आप जितना बड़ा इसको बेल सके उतना बड़ा बेल लीजिए। 250 ग्राम अगर हम मैदा ले रहे हैं तो उसके लिए 125 ग्राम हमको बटर चाहिए। ये मेजरमेंट का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे आपकी पेटीज एकदम परफेक्ट बनेंगी। है, और इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पार्ट मैंने अभी ले लिया है और 2 पार्ट यहाँ पे करके हम रख दे रहे हैं। जैसे इसको स्पून की हेल्प से या फोक की हेल्प से थोड़ा मेल्ट कर लेंगे इस तरह से, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो हमें इसको लगाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेंगे हम, और ये बटर जो हमने रखा था उसको लगा लेंगे। हाथों की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा इसको फैला लेंगे और इसको चारों तरफ हम स्प्रेड कर देंगे। बटर को पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा, जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। और इसको अच्छे से हमें चारों तरफ अपने डो के स्प्रेड कर लेना है। ऐसे रिफाइंड फ्लावर हम हल्का सा इस पे चारों ओर डस्ट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। और इसको ये देख रहे हैं आप, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको लास्ट कॉर्नर तक हमें ऐसे मिला देना है, ये इस तरह से। और इधर से भी हम ऐसे ही उठाएंगे इसको, और इसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर यहां से ऐसे उठाएंगे हम इसको, और 3/4 फिर से करेंगे हम इसका, और ये इस तरह से। और एक बार लाइट हाथों से हम इसको रोल ऑन कर लेंगे। बहुत तेज बेलन हम इस पे नहीं चलाएंगे, रिटेंगल शेप में हमें इसको बेल लेना है, यानी कि इस तरह से लंबाई में। लगे आपको कि कहीं बटर हमारा निकल रहा है तो एक बार उस पर फ्लावर हल्का सा डस्ट कर दें। फिर से हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
और ये लास्ट कॉर्नर इस पे हमको मिला देना है ऐसे, ये ऐसे, और ये फिर से ऐसे, ये। और इसी पे हम फिर से अपना बेलन चला देंगे। और बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेशर रैप, और फ्रेशर रैप में इसको अच्छे से हम रैप कर देंगे। फ्रेशर रैप की जगह अगर आपके पास पॉलीथीन हो उससे भी आप इसको रैप कर सकते हैं। अच्छे से रैप कर देंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। याद रखना है फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको रेस्ट हुए, रैप इसका हटा लेंगे इसको और रैप को खोलेंगे। ये देखिए इसको निकाल लिया है, अब इसको बेल लेंगे हम, इसको लंबाई में ही बेलेंगे। और ये देखिए इसको लंबाई में बेल लिया है, और यहाँ पे जो बटर रखा था हमने उसको लगा लेंगे। और ये देखिए बटर को एक जगह भी रख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और दूसरा पोर्शन भी लाके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखा आपने, और इसको हल्के हाथों से फिर हम लंबा बेल देंगे। हल्के हाथों से ही हमें इसको बेलना है, बहुत टाइट हाथों से इसको नहीं बेलिएगा, अदरवाइज क्या होगा इसकी परतें खुल के नहीं आएंगी, सारी परतें दब जाएंगी। और ये देखिए फिर से वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, फोल्ड करेंगे खींचते हुए पूरा बराबर ऐसे, और ये देखिए इस तरह से इसको भी हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आधे घंटे बाद मैंने इसको फिर से निकाल लिया है। चलिए इसको बेल लेते हैं एक बार फिर से, बहुत ही लाइट हाथों से बेलना है, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है, जो बचा हुआ बटर है वो भी लगा लेंगे इसमें। हमने बटर इसमें तीन बार में लगाया है, अच्छे से स्प्रेड कर दिए। अब इस पे खींचते हुए ये जो लास्ट कॉर्नर आपको दिख रहा है यहाँ यहाँ तक ये ऐसे आना चाहिए, और ये दूसरा पोर्शन भी हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे इसको ऐसे करते हुए ये देखिए इस तरह से, और इसको हम फिर से एक बार बेल लेंगे, फ्लावर से डस्ट कर लेंगे। और चलिए इसको हम बेल लेते हैं, इसको बेल लिया है, फिर से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, करेंगे इसको, और इसको फिर से हम लास्ट कॉर्नर पे ले जाके दबा देंगे और फिर से एक बार इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, जब आपके पास ढेर सारा किचन में काम हो उस समय आप ये काम करें। और चलिए आइए इसको रख देते हैं आप आधे घंटे के लिए। आलू फ्राई करने के लिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, गाइस नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इसमें निकाल लेते हैं कुछ तड़के, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ये कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, तड़का डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 मिर्च ले लिया है हरी, और 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया। आप यहाँ पे चाहे तो ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और अपने मटर में डाल देंगे। मटर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। और चलिए 1.5 मिनट हो चुका है, कवर को हटा लेते हैं, लेंगे और एक बार चेक कर लेते हैं मटर हमारी कुक हुई या नहीं। और बहुत अच्छे से कुक हो गई है, यहाँ पे जो मसाले हम बनाए थे उसको डाल देंगे, एक बार मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे जिससे मसाले हमारे जलने ना पाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया 3 आलू, और उसको मैश करके ऐसे डालेंगे हाथों से और मिक्स कर देंगे। और इसी में धनिया की पत्तियां डाल देंगे, और चलिए इसको कुक कर लेते हैं कुछ देर। पेटीज की आलू स्टफिंग बनके रेडी है, बस प्लेट को हम बंद करेंगे।
बाउल में हम इसको निकाल के रख देंगे एक तरफ कि ये ठंडा हो जाए। और ये देखिए 30 मिनट हो चुका है, मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है। फ्रिज में रखने का इसको एक मकसद होता है कि जो हमने इसमें बटर डाला है वो बटर अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ा कड़ा हो जाए। फिर से इसको बेल लेंगे हम। बेलने के बाद फिर से वही स्टेप हमें दोहराना है। ये देखिए इस तरह से साइड कॉर्नर हमें मिला देना है और इधर का भी पोर्शन हमें उठाना है और ये भी ऐसे हल्का सा हमें खींच देना है इस तरह से। टॉप पे आप थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी बेलने में। इसको एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे, ये लास्ट और फाइनल रहेगा हमारा। ऐसे करने से अनगिनत परतें हमारी बनके रेडी हो जाएंगी। और गाइस इस आटे को अगर आप स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक महीने तक आपका ये आटा बिल्कुल खराब नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि इसको डीप फ्रीज करना पड़ेगा आपको। जिप लॉक जिसमें लगी रहती है पॉलीथीन में, उस पॉलीथीन को आप यूज़ करिए इसको रखने के लिए, और इसको डीप फ्रीज करके आप एक मंथ तक आराम से रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे तो बस निकाल लें फ्रीजर से और इसको पेटीज बना लें इसकी बेक करके। कि हम इसको ओवन में नहीं बना रहे हैं, इसको आज हम भगोने में बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने नीचे नमक का यूज़ कर लिया है। आप बेक करते करते ये नमक काफ़ी काला हो गया है, क्योंकि एक नमक को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली क्या है तो बार बार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टैंड ले लिया है और इस स्टैंड पे हम इस तरह की प्लेट रखेंगे और प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसको यहाँ पे स्टैंड पे हम रख देंगे। इसको कवर करके लमसम 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे। स्केल की मदद से कट कर लेते हैं कि सीधी कटिंग हो हमारी। और ये देखिए मैंने अब पेटीज हमें जैसे बनानी है, यानी कि हमें ऐसे पेटीज बनानी है, तो उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर हम रख रख के पूरी कटिंग हम कर लेंगे एक बराबर की। इस तरह से कटिंग सारी हो गई है और यहाँ हम बीचों बीच में अपनी फिलिंग रखेंगे और चारों ओर पानी लगा देंगे इसके, क्योंकि इसको हम चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी पेटीज को फिल कर लेंगे। सब मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है और ट्रे में रख देंगे सब। हम दूध से ग्रीस करेंगे, इससे करने से बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। आप इसकी जगह पे मलाई का भी यूज कर सकते हैं। और इसको हीट होते हुए 15 मिनट हो चुका है, कवर को सावधानी से हटाएंगे, काफी गर्म है। और बहुत ही सावधानी से हम पेटीज को रखेंगे भी, काफी गर्म है। यहाँ पे एक बार में 3 आया है और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे और इसको लमसम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ओवन में होता तो हमें उलटने पलटने की जरूरत नहीं होती, बट हम भगोने में बना रहे हैं ना, इसलिए एक बार हम इसको पलट लेंगे और इसको कवर कर देंगे फिर से हम। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए कैसे परतें इसकी खुल रही हैं एक एक करके, बिना ओवन के हम भगोने में बना रहे हैं, फिर भी देखिए कैसे इसकी परतें आराम से खुल रही हैं और आराम से आपको दिख भी रही होंगी। अभी ये कुक ही हो रहा है, मैं आपको चारों ओर से दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी सिक रही है और 15 मिनट हो चुका है। एक बार हम इसको और पलट देते हैं, तो आराम से लीड को उठाइएगा, काफी गर्म है। सिकने देते हैं और इसका बहुत ही प्यारा कलर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा कलर आया है। चलिए अब 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, आइए हम निकाल लेते हैं। लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये कुक हो गया है गाइज, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, लीड को हटा लेंगे। और ये देखिए इसकी सारी परतें कैसे खुल गई हैं,
बहुत ही गर्म है। आराम से इसको सारी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, कोई कह सकता है इसको हमने घर में बनाया है और वो भी बिना ओवन के बनाया है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।